आज तो माइकल जैक्सन की आत्मा सीधे इंसानों में उतर आई है। ये देखकर रियलिटी शो वाले सोच में डूबे हैं कि अब तो भट्टा बैठने ही वाला है। उधर कोहराम मचा रहा कोरोना अलग कंफ्यूज है। कलयुग के ये कलाकार कौन सा अमृत पान करके आ गए हैं भाई? गाना चल रहा है सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। गाने के बोल सातवें सुर में जैसे ही उठते वैसे ही जोश की सारी सीमाएं टूट जाती। ऐसा लगता अभी उछलकर सात समंदर पार कर जाएगा नरों का ये झुंड। फिर गाने की एक बीट बजी और धमनियों में संगीत रूपी जोश कुलांचे मारने लगे। जय हो गुजरात सरकार की, जो मातम के माहौल में भी जश्न और जलसे कितनी बड़ी छूट दे रही है। सही सुना आपने, ये वीडियो गुजरात से आया है, जहां के आनंद जिले के चमारा गांव में बीजेपी सरपंच के भतीजे की शादी थी तो कोरोना को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेज दिया गया था। चमारा पंचायत के सरपंच राजू भाई पढ़ियार के भतीजे की शादी हो रही थी। मजिस्ट्रेट ने सादे तरीके से शादी समारोह की इजाजत दी थी, लेकिन यहां तो डीजे बज रहा था। अब जब सरपंच साहब के भतीजे की शादी हो तो पाबंदियां हवा तो होंगी ही। तलवार लहरा कर लोग कत्थक और कुचिपुड़ी कर रहे थे। कोरोना के इस दौर में गुजरात में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की परमिशन है, लेकिन यहां तो शादी सरपंच के घर पर थी और सरपंच का एटीट्यूड ऐसा कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है वाली, तो उनके लिए मजिस्ट्रेट का कानूनी आदेश ठेंगे पर। ऊपर से प्रदेश में अपनी ही सरकार, तो अब हम ही कानून, हम ही व्यवस्था और हम ही मजिस्ट्रेट। ऐसे ही लोग पहले कोरोना को घर तक बुलाते हैं, फिर कहते हैं सरकार ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, और सरकार भी है कि पार्टी देख कर फैसले कर रही है। Thank you.